कैसा रहा वीडियो कभी? अच्छा। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीट्स डांस फिट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हम लोग भी मस्त हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं अभी अपनी बालकनी में हूँ और देखिए आज का मौसम कितना सुंदर है। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, तो मैं अब करूँगी पूजा। मेरी पूजा हो चुकी है और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। बोलो नौ दुर्गे माता की जय। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने बनाया है करेले की सब्जी, स्प्रिंग अनियन की सब्जी, पराठा और चाय। नाश्ते के साथ मुझे चाय तो ज़रूर चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बनके रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। आप लोग भी आइए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मैं तन्वी को छोड़ के अब घर जा रही हूँ। आज मैं कैंटीन जाने की सोच रही हूँ। कैंटीन से आओ तो काफ़ी लेट हो जाता है, फिर कैंटीन से आने के बाद खाना बनाने का मन नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ कि कैंटीन जाने से पहले चाय बनने तक एक साइड में दाल भी बॉईल करने को रख देती हूँ, जिससे दाल भी बॉईल होता रहेगा और जब वापस मैं कैंटीन से आऊँगी तो इसमें तड़का लगा दूँगी। आज मैं गाइस मसूर की दाल बना रही हूँ और मुझे मसूर की दाल, मुझे क्या, मेरे बच्चों को भी, सभी को मसूर की दाल बहुत पसंद है। खास करके मेरे हस्बैंड को मसूर की दाल बहुत पसंद है। यहाँ भी जैसे मलका की दाल मिलती है, लेकिन जो हमारे पहाड़ साइड ये मलका मसूर की दाल होती है वो बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ तो मिलती नहीं है, लेकिन हम जब भी, मैं अपने ससुराल जाती हूँ और मेरे ससुराल गए खटीमा में, मैं जब भी खटीमा जाती हूँ तो वहाँ से मेरी सासू माँ जरूर मुझे मसूर की दाल रख देती है, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मुझे मसूर की दाल बहुत पसंद है। आज अभी इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, क्योंकि घर का सामान ख़त्म हो चुका है। कहीं जा रहे हैं अब कैंटीन को, पहुंचने वाले हैं कैंटीन। शायद से कुछ प्रोग्राम होने वाला है, इसीलिए गाड़ी वाड़ी आ रखी है, टेंट वगैरह लग रहे हैं। शायद नवरात्रियों की तैयारी चल रही है। सामान भी काफ़ी ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, तन्वी की छुट्टी हो गई है, बच्चे भी सब आ चुके हैं और तन्वी भी बस पहुंच ही गई। बेटी, मम्मा। हाय बेटी। हाय गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ। कैसा रहा बेटी आज का दिन? अच्छा। और आपका एग्जाम कैसा रहा? क्या नहीं आ रहा था बेटी? दो नहीं बनाया था और 550 लिखना था। अच्छा, लिखना था? हाँ। आज तो ओरल था ना आपका? आज तो आपके ओरल एग्जाम थे ना? तो फिर आपने लिखा कैसे आज? मैम ने टेस्ट पेपर दिया और मैम ने बोला कल होएगा।
हाँ तो वो तो कल ही होगा। आपका ओरल कैसा गया? कुछ पूछा मैम ने आपसे? नहीं कुछ नहीं पूछा ओरल में? नहीं बस लिखाया। लिखाया? ओरल में कौन सा लिखाती है मैम आपकी? गाइस गेहूं बो चुके हैं हम घर पे, अब फिर नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। और दोस्तों कैंटीन से आके हम लोग घर पहुंच चुके हैं और देखिए आज हमने क्या क्या सामान लेके आए कैंटीन से। जाओ लेके आओ फिर से अपनी आइसक्रीम। तो गाइस तन्वी तो गई आइसक्रीम खाने, अब सामान लाना बड़ी बात नहीं है, इसको कैसे प्रॉपर जगह में रखना है वो बड़ी बात है। अब इस सामान को गाइस मैं सेट करती हूँ। ओके मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरे घर पे हो गई पूजा और हम लोग जा रहे हैं कैंपस के मंदिर। तो चलिए आज मैं आपको अपने कैंपस का मंदिर दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। माता रानी का आशीर्वाद लेके अब हम लोग जा रहे हैं क्वार्टर की तरफ। फ्रेंड्स हम लोग माता रानी के दर्शन करके मंदिर से घर आ चुके हैं, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे कल समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जहाँ रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।